फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन शिफ्ट। आई एम प्रेम कुमार और आज हम बात करेंगे AMI सेक्शन ए का जो सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट है, मटेरियल, फंडामेंटल, कंप्यूटिंग एंड सोसाइटी। ये चार सब्जेक्ट है, ये चार सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो मटेरियल साइंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाता है मटेरियल साइंस। तो हम उसके बारे में आज जो हम पढ़ेंगे, दिस इज द रिवाइज लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस। ऑलरेडी मैंने आज से पिछले 3 साल पहले मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, काफ़ी स्टूडेंट उनको क्लियर किए, उनको पढ़ के। अभी जो ये लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ वो रिवाइज लेक्चर है, नया लेक्चर बनेगा फिर से ऑल टॉपिक्स का, कि जो भी पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं या मतलब जो पिछले 3 साल में क्वेश्चंस पूछे गए उसको देखते हुए। और अभी जैसे मेरा पिछला लेक्चर था उसमें से 80-90% टॉपिक्स एग्जाम से मैच कर जाते थे, अब भी जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें से आपको 90+ टॉपिक्स मैच करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये टोटल लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो आपका AMI ग्रांटेड है कि आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल साइंस में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस ओवरव्यू, उसके बाद चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपके मटेरियल साइंस के अंदर 10 चैप्टर हैं, ग्रुप ए में 5 चैप्टर और ग्रुप बी में 5 चैप्टर। और अगर आप एग्जाम पे टर्न देखें कि किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखे होंगे आप कि ग्रुप ए में जो 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ग्रुप बी में 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ग्रुप सी के आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हर एक 4 में से 2-2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं कि क्या है सिलेबस और फिर किस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें मटेरियल साइंस, ठीक है, इसके अंदर जो सिलेबस है ग्रुप 1 जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स। ठीक है, कि मटेरियल क्या होता है। उसके बाद जैसे मटेरियल्स में आप जानते हैं एक मेटल एलॉय होता है, मेटल होता है एंड एलॉय होता है, पॉलीमर, सेरामिक कंपोनेंट। तो वो सारा चीज़ हमको इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स में पढ़ना है। एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में इससे आते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब एवरी ईयर तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। जो दूसरा चैप्टर है आपका है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ओके, तो जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड के अंदर हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, हर एक बार इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मिनिमम 10 से 20 मार्क का क्वेश्चंस आपको डिफेक्ट इन पूछा जाता है, जिसमें डिफेक्ट से हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट, जो डिफेक्ट के अंदर जो हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड सरफेस डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड सरफेस डिफेक्ट, 3 तरह का डिफेक्ट है, तीनों डिफेक्ट हमें पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लाइन भी इंपॉर्टेंट है और सरफेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है आपका फेज डायग्राम, ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है फेज डायग्राम, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में फेज डायग्राम से, आयरन कार्बन डायग्राम, फेज डायग्राम। इसमें 2 तरह का फेज डायग्राम है, इन्होंने ऑलरेडी लिखा है कि एक सिंगल कंपोनेंट के लिए, मोनो कंपोनेंट के लिए, एक बाइंडिंग कंपोनेंट के लिए। जैसे कोई एक कंपोनेंट है, अगर हम केवल आयरन का फेज डायग्राम बनाना है, अगर हम प्योर आयरन की बात करते हैं तो वो सिंगल हो गया कंपोनेंट का, मोनो कंपोनेंट फेज डायग्राम, और एक है बाइंडिंग कंपोनेंट का फेज डायग्राम। तो बाइंडिंग मतलब 2 कंपोनेंट मिलके, मतलब अगर एलॉय है जैसे आयरन कार्बन डायग्राम है, तो आयरन कार्बन क्या है, 2 कंपोनेंट मिला, तो हमें जो फेज डायग्राम में पढ़ना है दोनों पढ़ना है, सिंगल कंपोनेंट का फेज डायग्राम और बाइंडिंग कंपोनेंट का फेज डायग्राम। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
फेज डायग्राम के बाद जो आपका चौथा नंबर चैप्टर है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद जो अगर हम किसी मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट मटेरियल को अगर हम हीट ट्रीटमेंट किए हुए मटेरियल को हम उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो ये सारा चीज़ हमें इसके अंदर पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मतलब ओवरऑल कि जो भी मटेरियल है, जो भी एलॉय है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, किस तरह से उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं अगर हमें चेंज करना है, उसके क्या बिहेवियर हो सकता है मटेरियल का, वो सारा चीज़ हमें इसके अंदर पढ़ना है। जो छठा चैप्टर है दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, सॉरी पांचवा चैप्टर। जो पांचवा चैप्टर है आपका है वो है डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स के अंदर क्या क्या डिफॉर्मेशन, जैसे अगर आप क्वेश्चन उठा के देखिए स्लिप है, ट्विनिंग है, तो ये सब आपका डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स के अंदर आते हैं। और उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ क्या होता है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चैप्टर्स जो ग्रुप ए के ये पांच चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। उसके बाद ग्रुप टू का जो छठा चैप्टर है दैट इज हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक बार क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट से। हीट ट्रीटमेंट से आपका जो जैसे इसमें एनीलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, कार्बोराइजिंग क्या होता है, साइनाइडिंग क्या होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दैट इज हीट ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज में आपका जैसे आप अगर पढ़े होंगे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, तो वो सारा चीज़ हमें थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ना। कंडक्शन का लॉ पढ़ना है, जो कंडक्शन फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन है उसके न्यूमेरिकल्स आपके ऊपर पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं चैप्टर से और बाकी थ्योरेटिकल भी आता है। ठीक है, उसके बाद जो एट्थ नंबर चैप्टर है दैट इज सेरामिक मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, कि सेरामिक मटेरियल कौन कौन सा है और पॉलीमर्स क्या है, उसके ऊपर भी ये आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 50% क्वेश्चन यहाँ से बनाना है, 50% यहाँ से आना है, तो इसीलिए कोई भी चैप्टर अपने आप में कमज़ोर नहीं है, हर एक चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो ये सब थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और इस सब को करके जाना है। ठीक है, जो नाइन्थ नंबर चैप्टर है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है बिल्कुल। पॉलीमराइजेशन क्या होता है हम ये सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे कि क्या है पॉलीमराइजेशन, कैसे करते हैं इसका, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें आपको पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये सारा चीज़ हमको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर पूरा पढ़ना है। तो इस तरह से आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो सिलेबस है आपका ग्रुप वन, तो ग्रुप वन से आपको चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रुप बी से चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चंस करना होता है, सॉरी 5 क्वेश्चंस करना पड़ता है। अब अगर क्वेश्चंस देखिएगा तो एग्जाम में लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम, जिसमें से 2 फ्रॉम ग्रुप 1, 2 फ्रॉम ग्रुप 2 एंड जो ग्रुप सी होता है, जैसे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएगा ग्रुप सी में क्या होता है कि इस दोनों ग्रुप में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने होते हैं 2 मार्क्स के, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। ठीक है, तो वो
आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्रुप सी में, जो 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, तो वो आपको इस दोनों में से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, तो हमें उसको करके जाना है। एक्चुअली जब ये दोनों आप कर लीजिएगा पूरी तरह से, तो ऑटोमेटिक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। अगर आप एएमआई का देखें प्रीवियस ईयर, तो हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन अगर पेपर क्लियर नहीं होता है, अगर आप जान सुने होंगे कि एएमआई टफ है, एएमआई टफ क्यों है, तो रीज़न यही है कि आपका जो आप जैसे अगर कहीं से बुक से पढ़ते हो, जैसे एएमआई अभी आप सुने होंगे कि एएमआई के थ्रू बुक आना बंद हो गया है, अब वो भी डिजिटल कोर्स शुरू कर दिए हैं, तो दिक्कत क्या है कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा एएमआई का। और यही एक सबसे बड़ा लॉजिक है कि जब तक आप कंसेप्ट नहीं क्लियर कीजिएगा, एएमआई क्लियर नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ के पढ़िए, तभी एएमआई क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें चैप्टर से डिफेक्ट एंड सॉलिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा साल नहीं है, कोई सा ईयर नहीं है, कोई सा सेमेस्टर नहीं है जिस साल इसे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आता है। फेज डायग्राम से एवरी ईयर, हर एक साल, हर एक जो आप समर या विंटर होता है, आना ही है क्वेश्चन। तो कुछ इतना फिक्स टॉपिक है जिससे आपका एएमआई इजीली क्लियर हो जाएगा। और हम आपको लिख के देते हैं कि इतना टॉपिक पढ़ के जाइए। अभी तो हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, ए टू जेड चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जब लास्ट का जब हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे, कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास अगर टाइम कम है तो कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ के जाना है, कौन सा छोड़ के जाना है, वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो अभी हम लेक्चर जो रिकॉर्ड करेंगे ए टू जेड, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल है, उसमें से क्या पहले पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, उस क्वेश्चंस को कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चाहे वो कोई भी चैप्टर है, चाहे उसके अंदर थ्योरी पूछा गया हो या न्यूमेरिकल पूछा गया है, ए टू जेड चीज को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी मटेरियल नहीं पढ़ना है। हम आपको वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो सॉफ्ट कॉपी में होगा या हार्ड, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी ए टू जेड आपको इतना दे देंगे कि आपको कहीं से कोई बुक नहीं पढ़ना है। वीडियो देखिए, जो हम नोट्स दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, और आपको एएमआई इजीली एक बार में आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल से, कि ये क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, और इसके ऊपर एएमआई क्या क्वेश्चंस पूछा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपका कोई अगर कोई भी इंक्वायरी करना है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।